हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस। 4 इयर्स हो चुके हैं इसको और ये चल चुकी है, लगभग 38,000 होने वाले हैं इसको, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मैंने 2 सर्विस ही शुरू की, सर्विस सेंटर से करवाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे नॉर्मल सर्विस का भी, 5,000-6,000 तक। तो मैंने 2 सर्विस के बाद इसकी बाहर से ही सर्विस करवाए। नॉर्मल पेट्रोल है ये, 1.2 आती है, 83 BHP आती है, 115 Nm टॉर्क आता है इसका। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, 100 के बाद तो बहुत ही शानदार भागती है, 85th गियर के बाद इसका परफॉर्मेंस आती है निकल के, वरना ओवरटेक करो फुल लोड में तो थोड़ी ये लोड मांग जाती है वैसे कम स्पीड पे, लेकिन जब टॉप गियर में होती है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। और ये अपना एवरेज दे देती है, 15-16 का दे देती है राउंड फिगर में। और इससे मैंने बहुत दूर दूर की कर रखी है ट्रिप, अमृतसर की, मनाली 2 बार, डलहौजी, धर्मशाला की, अभी थोड़े दिन पहले मैं ओली होके आया हूँ, जोशीमठ, नीति वैली। कोई भी इसमें ख़राबी नहीं है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मारुति हल्की देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हल्के से डेंट से हो गए हैं, अपने आप ही बैठ जाते हैं लोग तो इससे हल्के डेंट ही पड़ गए। और इसकी अंदर आवाज़ें आ जाती हैं गाड़ी की, कितनी भी आप एहतियात से इसको यूज़ कर लो इसमें आवाज़ें आ ही जाएंगी। और इसमें एक प्रॉब्लम यह है, इसका बैक गियर कई बार फंस जाता है, लगता नहीं है। ये सारी मारुति स्विफ्ट में, मारुति की हर गाड़ी में प्रॉब्लम है बैक गियर की, कई लोगों से मैंने सुना है ये हर गाड़ी की प्रॉब्लम है। ये आप देखिए, ये इसका इंजन, ये बहुत साइलेंट इंजन है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, बहुत रिफाइंड इंजन, स्मूथ, सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन मारुति के ही होते हैं, और फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत अच्छा है ये। नॉर्मल हाईवे पे आप जा रहे हैं तो 18-19 का एवरेज दे देती है, और सिटी में 14-15 का दे देती है एवरेज। और इसके बस ये अंदर ये है इसकी प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट गियर में कार को उठाते हैं हम तो क्लच छोड़ते हैं फर्स्ट गियर में तो हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है डिग्गी में से, और ये गेट भी जैसे छूते हैं इनमें आवाज़ें आती हैं, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है इनकी, देख सकते हैं। लेकिन कार का स्टीयरिंग बहुत ही अच्छा है, स्टीयरिंग फीडबैक का जवाब नहीं है, जहाँ आप हल्की सी मोड़ेंगे वहीं मुड़ती है, ऐसे नहीं रहता कि स्टीयरिंग का कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है स्टीयरिंग का। फास्ट स्पीड में तो ऐसी स्टेबिलिटी हो जाती है इसकी ज़बरदस्त, अपनी सेगमेंट से ऊपर का ही वो देती है परफॉर्मेंस ही है स्विफ्ट। लेकिन इसका एसी में आप चल रहे हैं सिटी में, फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, फुल लोड है गाड़ी, थोड़ा लोड मांग जाती है उसमें, दबती है, मतलब दब जाती है थोड़ी। लेकिन हाईवे पे 5th गियर में तो रॉकेट भागती है, रॉकेट। मैंने इसको 160 तक दौड़ाई हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ इसका किलोमीटर दिखाता हूँ, देखिए चल चुकी है 37,991 किलोमीटर चल चुकी है, अब इसकी 40,000 की सर्विस होगी। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ें हैं जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा माफ़ करिएगा। और इसकी सीटिंग पोजीशन आगे की तो सीटें अच्छी हैं, कंफर्टेबल, और इसकी बस इसमें एक ये प्रॉब्लम है, जब कहीं पे भीड़ भाड़ के एरिए में आप जा रहे हैं, गाड़ी काट रहे हैं, तो आपको इसका बम्पर का आइडिया नहीं रहता कि बम्पर दिखता ही नहीं इसका, बोनट बैठ के सीट पे आपकी क्या है, कितनी भी ऊंची हाइट है आपको दिखेगा नहीं इसका बोनेट। और पीछे की सीट में लेग स्पेस कम है, छोटी हाइट वाले तो इसमें सही बैठ जाते हैं, लेकिन जिनकी हाइट लंबी है 5'11" 6 फीट, उनके पैर थोड़े टच होते हैं, कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। बस नए मॉडल में इसमें स्पेस अच्छा कर दिया है, बस ये है। लेकिन मारुति की हर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी हल्की है, औरों से, हुंडई से और फोर्ड से, वॉक्स वैगन से, हर कंपनी से हल्की बनाती है, बहुत हल्की, चीप मटेरियल यूज़ करती है मारुति। इसके शीशों में से भी हल्की हल्की आवाज़ आती है, खोल के चलाओ ना आप गाड़ी तो इसके शीशों में धर हल्की आवाज़ है, डिग्गी में से भी आवाज़ आती है थोड़ी, क्लच छोड़ो फर्स्ट गियर में कार उठाते हैं तो डिग्गी में से भी आवाज़ आती है। लेकिन इसका स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, लेकिन उस टाइम इसमें मारुति VXI मॉडल में ABS नहीं देती थी, इसमें ABS नहीं है, लेकिन उसकी मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस होता ABS नॉन ABS का, मेरे तो आज तक सही
लगे हैं ब्रेक, कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसके आप स्विच देख सकते हैं, हर मारुति गाड़ी में सेम स्विच डालती है मारुति, कितनी भी महंगी हो कितनी सस्ती हो गाड़ी। और यहाँ पे इसका एक अलार्म का स्विच है, ये मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करा, पता नहीं किस चीज़ का बटन है ये। क्लच व्लच आज तक सही चल रहा है इसका, क्लच में ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और कार आजकल बॉनेट में से किसी चीज़ की कोई चीज़ लूज़ हो गई है उसकी, कार स्टार्ट करके खड़ी करते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन सी आवाज़ सी आती है बॉनेट के अंदर से, वो मैं दिखाऊंगा किस चीज़ की आवाज़ है। और आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसका बैक लुक। लुक वाइज आज भी ये ओल्ड ऐसी नहीं लगती, पुरानी हो गई, बहुत स्पोर्टी लुक लगता है इस गाड़ी का। लुक में तो इस सेगमेंट में कोई और इससे अच्छी गाड़ी नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है, कहीं पे हुई नहीं आजकल, आज तक टच नहीं हुई इसका। देखिए रनिंग बोर्ड बिल्कुल स्क्रैच लेस है। और इसमें टायर बहुत पतला टायर आता है इसमें 165 सेक्शन का, इसमें कम से कम 185 का होना चाहिए टायर, जब इसकी स्टेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी गाड़ी। और तो क्या बताऊँ, और सब देख सकते हैं वाइपर भी इसके ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते हैं, इसके चेंज करवाने पड़ेंगे वाइपर, सिंगल ब्लेड वाइपर हैं, ड्यूल ब्लेड वाले लगवाने पड़ेंगे, वॉश वॉश के आते हैं। नंबर प्लेट थोड़ी मेरी आड़ी टेढ़ी हो गई है, लोगों ने टेढ़ी कर दी है। चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके थैंक यू। दिखाता हूँ कार में जब सेल्फ मारते हैं तो बिल्कुल भी नो वाइब्रेशन नो कुछ, तो साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, देखिए आप। बैटरी इसकी जब भी शुरू की बैटरी एक बार भी चेंज नहीं हुई, 4 साल पुरानी, जब भी इसकी बैटरी ने आज तक कुछ धोखा नहीं दिया कि स्टार्ट ना हुई हो कार। कभी सर्दियों के मौसम में फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, क्या है आप इसको 2 महीने बाद स्टार्ट करिए, कितने टाइम बाद स्टार्ट करिए। ये दिखाता हूँ गाड़ी थोड़ी, तो आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने में। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, छोटा सा स्पोर्टी सा स्टीयरिंग है। और इसके टायर्स भी वही हैं जो 7 आए थे कंपनी से, टायर भी अभी तक चेंज नहीं हुए, 4 साल हो गए टायर को, और चल गए हैं 38,000 किलोमीटर। अब टायर का भी कहते हैं लोग कि घिसे ना घिसे 5-4 साल या 4.5 साल में चेंज करवा लेने चाहिए टायर, तो मैं इसके नेक्स्ट ईयर चेंज करवा लूँगा, पहले 2 महीने में टायर ब्रॉड टायर लगवाऊँगा इसमें। कंपनी से तो बहुत स्लिम टायर आते हैं इसमें, पतले टायर, मैं सोच रहा हूँ एक साइज अप करवा लूँ टायर के। देखिए हमारे गांव का ये शॉर्टकट है रास्ता जाने का अंदर, बाकी उस रोड से जाओ तो बहुत भीड़ भाड़ मिलती है और जगह भी नहीं है उधर से जाने की, अच्छी सड़क बन चुकी है हमारे मोहल्ले में जाने की कॉलोनी में। चलिए